हाय फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको 100 वाट का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। दोस्तों, ये मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा है। ये 100 वाट का एम्पलीफायर है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है ये। इसमें हमिंग की प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हमिंग को ठीक किया जाए। देखिए, इसका ये माइक बोर्ड और बेस ट्रेबल बोर्ड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये, क्योंकि इस पर डायग्राम सब लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कमी है। इसमें सिर्फ वाइसिंग वोल्टेज की कमी है, और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जब वाइसिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट होता है तो उसकी वैल्यू घट जाती है, उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, जिसके वजह से एम्पलीफायर में हमिंग आ जाती है। क्योंकि जो रेजिस्टेंस से हम वाइसिंग वोल्टेज बनाते हैं तो वो प्रतिरोध थोड़ा कम या ज़्यादा हो ही जाता है। और जो ड्राइवर बोर्ड वाला ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर होता है तो ड्राइवर बोर्ड में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ड्राइवर बोर्ड में प्रीसेट लगा होता है, आप प्रीसेट से उसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, ये जो रेजिस्टेंस बड़ा वाला दिख रहा है 75 ओम का 10 वाट में, तो प्रॉब्लम इसी में अक्सर होता है। क्योंकि देखिए, ये जो मैं पीले कलर से मैं यहाँ जम्फर को चिन्हित किया है, सबसे पहले इसे भी ठीक ठाक रखें, क्योंकि आप कोई भी कनेक्शन जब करते हैं तो उसमें थोड़ा सा भी फॉल्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो भी वायर का कनेक्शन करें, अच्छे से सोल्डिंग करें ताकि हमिंग कम रहे, क्योंकि जब अच्छी सोल्डिंग करेंगे तभी हमिंग कम होगा। ये प्रीसेट बीच में सेट किया गया है, इसको कम कीजिए, सबसे कम वॉल्यूम पर इसको सेट कीजिए, क्योंकि ये प्रीसेट को जितना बढ़ाएंगे हमिंग उतना ही बढ़ेगा। तो सबसे पहले इस प्रीसेट को कम कीजिए, और इसके बाद मैं ये बताने वाला हूँ कि जो वैल्यू रेजिस्टेंस हीट होने से उसकी वैल्यू जो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। देखिए, यहाँ एक दो रेजिस्टेंस लगाया गया है पार्लर में, इसके कलेक्टर और बेस से इसे हटाइए और यहाँ एक पीएफ लगाइए, 102A 104J, वो पीएफ का नाम है, उसे लगाइए, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस से बेहतर होता है पीएफ। और जो मैं बता रहा हूँ कि जो 75 ओम 10 वाट की रेजिस्टेंस है, उसके जगह पर आपने कहा था कि 100 ओम 10 वाट की लगा सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ आप जो मैं रेजिस्टेंस को चिन्हित करके दिखा रहा हूँ, ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस जो 75 वाट है, यहाँ 100 ओम लगाइए, जो 75 ओम है वहाँ 100 ओम लगाइए, लेकिन 10 वाट का ही होना चाहिए, वाट बराबर होना चाहिए, ओम थोड़ा इधर उधर चल जाएगा कम या ज़्यादा, लेकिन उसका वाट बराबर होना चाहिए। और अगर इससे भी ठीक ना हो तो मैंने 7805 रेगुलेटर आईसी से, जो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनती है, उससे वाइसिंग वोल्टेज बना करके एक वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, और वो बेहतर होगा, क्योंकि कम या ज़्यादा वोल्टेज होने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 7805 तो अपना 5 वोल्ट ही क्लियर करके देता है। और मैंने उसमें एक 68 ओम और एक 10 ओम की रेजिस्टेंस से वाइसिंग वोल्टेज बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। और ये जो रेजिस्टेंस वाला वाइसिंग वोल्टेज जो कंपनियां बना कर देती हैं, जब ये रेजिस्टेंस नए होते हैं तो ठीक ठाक चलते हैं, और साल दो साल बाद जब ये हीट हो जाते हैं थोड़ा सा, ये जो 75 ओम दिख रहा है 10 वाट में, ये जैसे हैं थोड़ा सा हीट होगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और इसकी जो क्षमता है वो भी कमज़ोर हो जाती है, जिसके वजह से हमें हमिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसे आप तो नया चेंज करें या फिर 7805 से बनाएं। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार फिर से कॉल कर सकते हैं।